बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगी गाइज, और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के जस्ट 8:10 हो रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं घर। बारात से आने के बाद यहाँ हम लोगों ने घर में रेस्ट किया था अतर्रा में, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नहा धो करके रेडी हो गए हैं और हम लोग जाएंगे वहाँ पे गांव जहाँ पे फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ जाएंगे। दुल्हन के वहाँ पहुँचने से पहले बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उन सबको भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा। और चलते हैं बाहर और आपको अपना फुल लुक दिखाते हैं। तो मेरी ड्रेस आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं प्राची के घर के सामने और ये देख सकते हो आप, ये है मामा जी का घर। सभी बाराती बारात से होकर के लौट रहे हैं धीरे धीरे, और देखो हम सभी लौट आए हैं, दुल्हन को अपने साथ नहीं लाए हैं। तो ये बात समझिएगा कि दुल्हन नहीं आई है हमारे साथ, दुल्हन आ रही है। एक्चुअली हम लोग वहाँ से सुबह जल्दी निकल लिए हैं, मतलब हमें जल्दी निकलना था क्योंकि यहाँ पर एक पूजा होती है, हमें उसको भी इंजॉय करना था, उसको भी देखना था, तो इस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा। और दुल्हन की विदाई अब हो रही है, मतलब हम घर पहुँच चुके हैं, उधर दुल्हन विदा हो रही है। तो बस विदा होकर के दुल्हन भी घंटे डेढ़ घंटे में पहुँचने वाली है, और हम सबको यहाँ बाहर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी बाराती है ना, उन सभी की धार जो है वो उतार करके ही अंदर जाने देंगे, तो इसीलिए जो है सभी लोग बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। तो चलो आप लोग भी बोर ना हो, ये बड़ी भाभी आ गई है हमारी धार उतारने, तो ये उतार लेगी और उसके बाद हम सबकी घर में अंदर एंट्री हो रही है। ये देख सकते हो आप, अब सबको अंदर जा। हम लोग आ गए हैं यहाँ घर, और यहाँ पे होती है रस्में मंडप की, यहाँ पे मंडप के नीचे खाना बनता है, ये वाली रस्म होती है। ये देखिए सब लोग मंडप के नीचे खाना बना रहे हैं, ये देखो उधर कढ़ाई में बन रहे हैं दही बड़े, और इधर ये डालती जा रही है इस तरह से इनको, और यहाँ पे देखो रायबरेली वाली मौसी दही बड़ों का क्या बना रही है, इसका बड़ा बना रहे हैं भाई गौरैया के लिए। हाँ बहुत अच्छे और टेस्टी भी बन रहा है। रायबरेली से आए खेलने के लिए बड़ा बड़े मुलायम बने, इसीलिए फेंक रहे और ये देखिए आपको दिखा देती हूँ दही बड़े का। और यहाँ पे मामी है, मम्मी है, और दोनों बड़े तीसरे नंबर वाली मामी है, दूसरे नंबर वाली है मम्मी है, सब लोग मिलकर के दही बड़े बना रही हैं। और क्या क्या बना डाली मामी यहाँ पे, क्या क्या बन गया मामी जी, क्या बनाई है? मीठी नमक वाली, हाँ ये देखिए ये बनाई है बेसन वाली पकौड़ी, और इधर मीठी वाली पकौड़ी। इस आज के दिन ना बहुत सारे आइटम बनते हैं, और इसको बोलते हैं गौरैया खाना, यहाँ पे गौरैया खाई जाती है, और इसमें ना पूरे परिवार की जो बहुएं होती हैं, सास बहुएं, सब परिवार की लेडीज, वो सभी बैठ करके मंडप के नीचे ही खाना खाती हैं। मतलब सभी लोग मंडप के नीचे बैठेंगी, मंडप के नीचे खाना भी बनाएंगी और मंडप के नीचे खाएंगी भी, तो ये वाली रस्म होती है। और इधर चलते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ बन रहा है, तो चलिए आपको इधर का भी दिखा देते हैं इधर क्या हो रहा है। ये
ये देखिए इधर मामी बना रही, इधर क्या बन रहा है, ये क्या है? अच्छा ये दाल वाली पूड़ी, इसको यहाँ बेड़ई बोलते हैं, उसी के चने की दाल पीसी गई है और उसमें मसाला मिलाया जा रहा है और आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है मसाला और कितना सारा बना हुआ है। तो ये दाल वाली पूड़ियाँ भी बनेंगी और चलते हैं और दिखाते हैं क्या। दाल वाली पूड़ी बनना चालू हो गई है, मौसी जी बेल रही है और यहाँ पे जो दाल वाली पूड़ी बनती है ना वो पराठे की तरह सेकी नहीं जाती है, उसको घी में ऐसे ही निकाल लिया जाता है। और बड़ी मामी भी कैमरे की तरफ देख रही है और बड़ी मामी का येलो कलर फेवरेट है, हमेशा येलो पहन लेती है। ये चलिए आपको दिखाते हैं इधर दाल वाली पूड़ी बनने वाली है। तो ये बैठी हुई है मौसी, इधर देख लीजिए, ये मौसी बैठी हुई है दाल वाली पूड़ी बनाने जा रही है। कैसे बनाएंगी, पराठे की तरह पूड़ी निकालेंगी? पूड़ी निकालेंगी, यहाँ पे पूड़ी निकाल के बनती है और इतनी सारी इसमें क्या बना के रखी है, पूड़ी। और इसमें जो ये पूरा ढक के रखा हुआ है ना, इसमें पूड़ियाँ ही निकाली, मतलब सिंपल वाली पूड़ियाँ। और आप दाल वाली पूड़ी बनेगी और ये क्या बनेगी, इसका भी कुछ बनेगा क्या? हाँ भाजी बनेगी। हाँ और ये देखिए चना का साग रखा हुआ है, तो ये इस तरह से छोटे छोटे पीस में कितना अच्छे से काट दिया गया है और इसकी बनेगी भाजी। तो आज के दिन के खाने में ना बहुत सारे आइटम बनते हैं, तो मैं सभी आइटम के नाम आपको बता नहीं पाऊंगी लेकिन दिखा दे रही हूँ आपको। और यहाँ पे रोटियाँ सेकी जा रही हैं, ये देखिए इधर साइड रोटियाँ सेकी जा रही हैं, रोटी सेकने में लगे हुए हैं सब लोग। देखो परी क्या है कर रही है, अभी इसको बनना। ये देखिए इधर रोटी सेकी जा रही है किचन में। मामी तैयार है आज, बिल्कुल हरी हरी साड़ी पहने हैं और हम लोग बारात से लौटे तो मामी से सब बातें बातें हो रही है। और अक्षत को मैं छोड़ के गई थी ना, तो वही मामी बता रही है कि तुम्हारे साथ ज्यादा रोता है और हम लोग अच्छे से रखे थे, बिल्कुल भी नहीं रोया है, हमारे पास बहुत आराम से था। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और सुबह सुबह बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है, तो सुबह सुबह की धूप ना ले लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं, इधर ये दीदी पूरा ग्राउंड साफ कर रही हैं, इधर मतलब सफाई कर रही हैं। और आपको दिखाते हैं दादी जी को, दादी आराम से नहा करके और अपना धूप में बैठ कर ये मॉइस्चराइजर लगा रही हैं। देखिए ये दादी मॉइस्चराइजर लिए बैठी हुई हैं। तो दादी का ये पहले से आदत है कि आराम से नहा करके धूप में बैठती है फिर मॉइस्चराइजर लगाती है। और ये देखिए बिट्टू आ गई है और धूप बहुत अच्छी है तो हम लोग धूप में ही खड़े हुए हैं। और ये देखो, और हम लोग की ड्रेस कैसी लग रही जरूर बताइएगा। और बिट्टू और मैं अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे साथ में और उसके बैठेंगी, फिर ये लोग खाएंगी जो गौरैया खाई जाती है, तो सबके पैरों में मावर लगेगी बारी बारी से, जिसको जिसको खाना है। तो चलिए सब मावर लगवा लेती हैं और हम अपनी बॉटल में दूर कर लेते हैं, मतलब आद्या के लिए। तो इन लोगों ने ज्योति को भी काम पे लगा दिया है अभी इस टाइम पर, रोटियां सुखाने के लिए घी लगा रही हूँ मैं, बस फ्री घूम रही हूँ इसलिए मेरी छूट है क्योंकि मेरी आदिया बहुत छोटी है, इसीलिए लोग मुझे छोड़ देते हैं, वरना मैं भी काम करूं तो आप लोग भी मुझे ये मत बोलिएगा कि अपना टहलती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, सब काम करते रहते हैं, बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है ना, तो उसको लिए लिए आप लोग मोस्टली देखते हो ना, मैं उसको लिए लिए ही वीडियो बनाती हूं। तो इसी कारण से सब्जी भी बन रही है, ये देखो इधर सब्जी बन रही है कढ़ाई में, मामी बना रही है, कितनी सब्जी बना रही है, मिक्स सब्जी बन रही है, मिक्स वेज आज बन रही है। तो चलो चूल्हे का खाना वैसे ही बहुत टेस्टी होता है, मिक्स वेज हो या सिंपल सब्जी हो कुछ भी हो, तो चलो ठीक है
मिलते हैं थोड़ी। और ये देखिए सब लोग मिलकर के दाल वाली पूरी बना रही है, पांच छह लोग बेल रही हैं और एक लोग पूरी निकाल रहा है। ये देखो सारी मामी लोग लगी हुई हैं और यहाँ पे बना रही है पूरी। ये देखिए बड़ी मामी पोतो के बना रही है। पोतो बना रही है क्या, बेलेंगी नहीं? ये देखो इनसे पोते बनता है ना हाथ वाली, तो ये हाथ वाली पोतो के बना रही है, बेलेंगी नहीं है। ये देखो लेडीज की यहाँ पर पार्टी चल रही है, मतलब सारी लेडीज मंडप के नीचे बैठ करके खाना खा रही है। और ये यहाँ का रिवाज है कि मतलब दुल्हन आने से पहले इन लोग मंडप के नीचे बैठ करके खाना खाती है, जब दुल्हन आ जाती है तो उसके बाद नहीं होता है ये वाला प्रोग्राम। तो अभी सभी लोग जल्दी जल्दी से खाना खाने में लगे हैं क्योंकि बस दुल्हन थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। फोन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। तो बस सास लोग खाना खा चुकी है और अभी बैठ गई है बहुएं खाना खाने। तो आप देख रहे हो सारी बहुएं बैठ करके एक साथ खाना खा रही है और यहाँ पे बिट्टू और ज्योति दोनों लोग खाना परोस रही है और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। मैं यहाँ कोई काम नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे साइड में मम्मी भी खड़ी हुई है। तो यही सारी चीजें हैं। तो ये हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है, तो यहाँ इस तरीके से होता है। हालांकि जो यूपी में भी है ना, तो यूपी में भी हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो बुंदेलखंड में बांदा साइड ऐसा ही रिवाज होता है, इसको गौरैया खाना बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सभी लेडीज बैठ करके गौरैया खा रही है और इनका चूल्हा बीच में बना हुआ है जिसमें कड़ी अभी भी उबल रही है और एक साइड बन गई है। तो सभी लोग बैठ करके गौरैया खाने में लगी हुई है। सारे फंक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो चलिए अभी मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अगर सब कुछ इसी वीडियो में दिखा दूंगी तो फिर अगले वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाऊंगी। और जैसे जैसे ये शादी के फंक्शन खत्म हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोगों को लग रहा है कि यार अब बहुत बोरियत होगी सबकी, वही अपनी अपनी लाइफ हो जाएगी। शादी के फंक्शन में कुछ पता ही नहीं चला टाइम का। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।